गाइस क्या आप सोच रहे हो पीसी बिल्ड करने का, बट कंफ्यूज हो कौन सा पीसी ले या लैपटॉप ले, या पीसी ले तो कौन सा टाइप का कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहिए, किस टाइप के कंपोनेंट लेना चाहिए, इस सब चीज़ें में आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हो। तो आज आपका भाई आपके लिए एक वीडियो लेके आया है जो कि है पीसी बिल्ड, जिसमें आपको हर चीज़ के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आप पीसी बिल्ड रिलेटेड कंटेंट, गेमिंग रिलेटेड कंटेंट या अनबॉक्सिंग कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आए। तो चलिए देखते हैं। हेलो गाइस, अगर आप लॉकडाउन में घर पर रह के काम करते हो, मीन्स आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, तो आपको एक पीसी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी। या आप एक गेमर हो, आपको एक बेसिक लेवल की गेमिंग करनी है, या आप एक एडिटर हो, आपको बेसिक लेवल की एडिटिंग करनी है, या आपके बच्चे घर पे से स्टडी कर रहे हो तो उनको ऑनलाइन सबमिशन करना है, बहुत सारा स्टडी रहता है तो उनके लिए पीसी चाहिए, या आपके भाई बहन के लिए या डेली यूज़ के लिए आपको एक पीसी चाहिए, या ऑफिस के लिए पीसी चाहिए, कोई सा भी काम हो आपका इजीली काम इस पर डन हो जाएगा। आपको एक बेसिक लेवल की हर चीज़ें करवा देगा क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सेटअप है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है हमारा प्रोसेसर। तो प्रोसेसर में हमने चूज़ किया है राइजन का प्रोसेसर, जो कि है राइजन 332G। एक APU प्रोसेसर है, मतलब इसके अंदर ही आपको एक ग्राफिक्स मिल जाएगा और प्रोसेसर भी मिल जाएगा, मतलब आपको प्रोसेसर के साथ GPU भी मिल जाता है, आपको एक एक्सटर्नल GPU लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, ये एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्रोसेसर है। इसके ऊपर आप आपके डेली की जो भी टास्क होंगे, आपकी बेसिक लेवल एडिटिंग, आपका जो भी ऑफिशियल वर्क होगा, या आपका कोई गेमिंग करनी है तो आप इस पर बहुत ही अच्छी तरीके से गेमिंग या एडिटिंग हो गया, या आपका डेली वर्क, या आपका बच्चों के स्टडी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और स्टेबल प्रोसेसर है, मतलब इस पर आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, बहुत ही स्मूथ परफॉर्मेंस है इस प्रोसेसर का। तो आप विदाउट एनी टेंशन ये प्रोसेसर ईजीली ले सकते हो, इस बजट में एक बेहतरीन प्रोसेसर है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि हमारा मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड एक बिल्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि जब आप मदरबोर्ड लेते हैं आपकी सारी चीज़ें आपके मदरबोर्ड पे फिट होती थी, इसी लिहाज से आपको एक मदरबोर्ड लेना पड़ता है। तो मदरबोर्ड लेते वक्त आपको ध्यान रखना है उस पर आपका प्रोसेसर सपोर्ट करता है, आपको कौन कौन सी चीज़ें मिल रही है, क्या क्या फीचर मिल रहे हैं। तो ये मदरबोर्ड बहुत ही बेहतरीन है, जो कि राइजन 3 के APU को सपोर्ट करता है और राइजन 3 के प्रोसेसर को भी सपोर्ट करता है, जो कि एक बेहतरीन चीज़ है, मतलब BIOS अपडेटेड आ रहा है आपको। और इस मदरबोर्ड में आपको HDMI आउट मिल रहा है और M.2 का कनेक्टर मिल रहा है और बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर मिल रहे हैं, जो कि दूसरे मदरबोर्ड में है बट थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो ये आपके बजट में रह के बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है और एक अच्छे ब्रांड की तरफ से आ रहा है, जो कि MSI है। MSI एक पॉपुलर ब्रांड है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी रैम है। तो रैम में हमें यहाँ पर चूज़ किए Corsair की Vengeance LPX, जो कि 8GB वेरिएंट है। यहाँ पे 8GB वेरिएंट मोर देन इनफ है आपके लिए, अगर आपको ये सफिशियंट नहीं तो आप बढ़ा सकते हैं, पर 8GB मोर देन इनफ है। अगर आप एक डेली बेसिस यूज़ कर रहे हो तो आप गेमिंग कर रहे हो तो यहाँ पे इनफ नहीं है, आपको 16GB मिनिमम चाहिए। तो आगे बढ़ती, जो कि हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है, यहाँ पे हमारा पावर सप्लाई यहाँ पे हमने 550 यूज़ किया, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट थी इसलिए हमने 550 यूज़ किया। अगर आप यहाँ पे इस बेल्ट पे आपको 550 की कोई भी ज़रूरत नहीं है, 550 बहुत कॉस्टली रहता है, ये हमें डील में मिल रहा था इसलिए हमने 550 चूज़ किया। अगर आपको 550 लेना है तो ले सकते हैं, नो डाउट, बट अगर इस बेल्ट में आप पूछोगे कौन सा लगाना बेस्ट होगा तो 450 द बेस्ट, आपको एकदम बेहतरीन पावर सप्लाई रहेंगे, जो कि Corsair की तरफ से आता है, आप वो भी चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हार्ड ड्राइव में दो ऑप्शन है, WD की 1TB और Seagate की 1TB, जो कि Barracuda वर्जन है। WD की थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, Barracuda थोड़ी सी सस्ती है, तो यहाँ पे आप Barracuda ले सकते हो, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि है हमारा कैबिनेट, यहाँ पे कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं, यही यूज़ करो, हमने ये यूज़ किया है चिप्सट्रॉनिक का,
मुझे मॉडल नंबर याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हो। यहाँ इसमें से कोई भी प्रोडक्ट आपको लेना है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, आप जाके चेक कर सकते हो। ये कैबिनेट हमने परचेस किया क्योंकि इस पर भी हमें अच्छी डील मिल रही थी, इसलिए हमने ये प्रोडक्ट लिया है। गाइज यहाँ पे हमको आपको एक बात बताना चाहूँगा गाइज, आप ये बिल्डिंग बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट है, इसमें बहुत ही चीज़ें हमने अवॉइड की है और एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड की है जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। अगर आपको ये चीज़ें लग रही है तो आप ले सकते हो, जैसे कि हमने बिल्ड में मॉनिटर ऐड किया है, कीबोर्ड ऐड किया है और दूसरी चीज़ें भी ऐड की है, तो आप ये चीज़ें लेना चाहिए। तो ये भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। गाइज आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ज़रूर कर देना क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।